गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। दैट वाज फर्स्ट प्रैक्टिकल जो हमारा 12th क्लास का है, दैट वाज ओम्स लॉ, जो हमें ये डिटरमाइन करवाता है कि वीज टू आई का रेशियो यानी रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस हमारा एम क्या है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, सो वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर। सो द ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड इज दिस इज रियोस्टैट विच इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज बैटरी एलिमिनेटर, दिस बैटरी एलिमिनेटर प्रोवाइड्स वेरिएबल करंट दैट इज वेरिएबल वोल्टेज 0, 2, 4, 6, 8, 10 अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस वी सेट दिस वोल्टेज। These are the two connecting wires which are connected to the battery. This red end of the battery is known as positive end and this black end of the battery is known as negative end. Okay. Now the another instruments required in the Ohm's law are, this is ammeter which measures the current, and it is to be remembered that is it is always connected in series. Second one, this is voltmeter. This is the instrument which measures potential difference of a given potential difference. This is always connected in parallel. This is one way key. This is your screw gauge. These are some connecting wires which are used to connect the circuit. So this is the experimental instruments, or we can say these are the apparatus which are we are going to use using this law. ठीक है, कुछ स्टॉप इसको एडिट कर दूंगा मैं। अब दिस इज द सर्किट डायग्राम, दैट इज हाउ वी कैन कनेक्ट आवर सर्किट्स। दिस इज द बैटरी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी वी कनेक्ट की, देन अमीटर, देन वोल्टमीटर, देन पैरेलल टू द वोल्टमीटर अ रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड, देन वी कनेक्टेड टू द रियोस्टेट, देन अगेन कमिंग टू द बैटरी। This is the ray diagram, or we can say this is the diagram or circuit diagram of the Ohm's law. Now we are going to connect all these instruments physically with the Ohm's law, physically with the circuits, and now we are going to measure the potential difference and the current. So students, now we are going to connect the circuit. ये जो battery का positive end है, सबसे पहले हम ammeter लेंगे, ठीक है। ये अमीटर का पॉजिटिव एंड है और ये अमीटर का नेगेटिव एंड है। तो बैटरी के पॉजिटिव एंड को हम लोग कनेक्ट करेंगे अमीटर के पॉजिटिव एंड से, लाइक दिस। ये हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव एंड को अमीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया। अब हमने जो कुछ वायर्स लिए थे टू कनेक्ट द सर्किट, उन वायर की हेल्प से हम इस पूरे सर्किट को कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास ये अमीटर का नेगेटिव एंड है, अमीटर के इस नेगेटिव एंड को, ये देखिए यहाँ पर कनेक्टिविटी होती है, नेगेटिव एंड को हम लोग कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर के पॉजिटिव एंड से कनेक्शंस करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये जो बारीक धागा होता है, ये धागा कनेक्शंस के बीच में नहीं आए, नहीं तो हमारी रीडिंग्स में एरर आते हैं, ठीक है, विच आर नोन एज पर्सनल एरर्स। ये हमने अमीटर को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास अमीटर का जो नेगेटिव एंड है, सॉरी वोल्टमीटर का जो नेगेटिव एंड है, उसे हम वापस लेंगे। यहाँ से फिर से आप एक वायर कनेक्ट करेंगे, ये जो एमिटर का वोल्टमीटर से जो नेगेटिव आउटपुट निकला है, आप इस नेगेटिव आउटपुट को
ये जो रियोस्टेट के आपके पास दो एंड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, और वी कैन से हमारे पास यहाँ पे इसमें लोअर एंड भी है, तो आप किसी भी एक एंड से एक तरफ कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं रियोस्टेट के इस एंड से कनेक्ट करता हूँ, क्लियर। ये हमारा रियोस्टेट कनेक्ट हो गया विद द वोल्टमीटर। फिर से हम लोग एक और वायर लेंगे और रियोस्टेट का जो नेक्स्ट एंड है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, यहाँ पर आप एक नेक्स्ट वायर वापस से कनेक्ट करेंगे। और इससे फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे वन वे की से। इस की को आप निकाल के रखिए, दैट मीन्स की इज ओपन, दैट मीन्स सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, सर्किट इज इन ओपन सिचुएशन। फिर हम ये वाला वायर से कनेक्ट कर देंगे। फाइनली आपके पास जो बैटरी एलिमिनेटर से नेगेटिव एंड आ रहा था, नेगेटिव एंड का जो वायर आपके पास फ्री है, आप इस नेगेटिव एंड को की के एक पोर्शन से कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द कम्प्लीट सर्किट अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। अब हमें डिटरमाइन करना है कि यहाँ पर हम लोग रीडिंग्स कैसे नोट डाउन करेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे कि मेरे पास जो वोल्टमीटर और अमीटर है, अमीटर में जो रीडिंग है ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि नीडल है वो जीरो से नीचे जा रही है, दैट मीन्स दिस इज़ अ एरर। वहीं पर अगर हम लोग वोल्टमीटर में देखेंगे तो वोल्टमीटर में नीडल बिफोर स्टार्टिंग अ सर्किट नीडल जीरो से ऊपर है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एरर। अगर आपको प्रैक्टिकल में ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू होता है, यू कैन एडजस्ट दिस बाय दिस स्क्रू सो दैट इट कम्स ऑन द जीरो पॉइंट। दिस इज द मेथड, ठीक है। सेम हम इसी तरीके से वोल्ट मीटर को भी एडजस्ट करेंगे। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल नहीं था तो मैंने अपने नेल से ही इसको कर लिया, ठीक है। ये आप देखेंगे कि आई एम एडजस्टिंग द वोल्ट मीटर रीडिंग बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट जीरो। सो दिस इज द मेथड हाउ यू गोइंग टू यूज दिस। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जो हमें कैलकुलेशन के लिए हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट वी हैव अ मीटर एंड सेकेंड इंस्ट्रूमेंट वी हैव वोल्ट मीटर। सो वॉट इज द रेंज ऑफ द अमीटर एंड वोल्ट मीटर नोज कॉल्ड, हेयर दे आर, दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट। हेयर वी कैन सी इन द वोल्ट मीटर वी स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, दैट मीन्स द मैक्सिमम रीडिंग कैन वोल्ट मीटर गिव इज हाउ मच, इट इज फाइव वोल्ट। सो दिस इज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, दिस मीन फाइव वोल्ट। नाउ हेयर इज द अमीटर, जीरो टू फोर सिक्स एट टेन, दैट मीन्स नाउ वी कैन सी दैट दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स 10 एम्पियर, हाउ मच, इट इज अ रेजिस्टेंस मेजरिंग ऑफ 10 एम्पियर, दैट मीन्स द मैक्सिमम रेंज ऑफ द अमीटर इज 10 एम्पियर। दीज आर द रेंजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग बेटा, वी वॉन्ट टू नो कि हमें क्या पता करना है, लीस्ट काउंट ऑफ दोनों का पता करना पड़ेगा, अमीटर भी और वोल्ट मीटर भी। नाउ हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वोल्ट लीस्ट काउंट होता क्या है, वॉट इज लीस्ट काउंट। वापस से हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को देखें तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ जीरो से लेके वन तक, मतलब ये जो डिविजन्स हैं ये कितने हैं, तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो दीज आर द 10 डिविजन्स, ठीक है। सो 10 डिविजन्स मीन्स 1/10, दैट मीन्स 0.01, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, ओके। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। इन द सेम मैनर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी हमारे पास 0 से लेकर 2 तक 10 डिविजन्स हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम रीडिंग कितनी हमारे पास 2, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 10, दैट मीन्स अगेन 0.02। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि
कि रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब मैक्सिमम रीडिंग अ इंस्ट्रूमेंट कैन टेक। तो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक वोल्टमीटर है और एक अमीटर है। अगर हम वोल्टमीटर देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 5। दैट मीन्स हमारे पास जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो कितनी है, रेंज कितनी है, 5 वोल्ट। इन द सेम मैनर अगर हम लोग अमीटर को देखें तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही है, 10। दैट मीन्स अमीटर जो हमारा मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है दैट वॉज 10 एम्पियर। सेकेंड स्टेप, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट काउंट। क्या पता करना है हमको, लीस्ट काउंट दोनों का, वोल्ट मीटर का भी और अमीटर का भी। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इज नथिंग बेटा नंबर ऑफ डिवीजन इन वन रीडिंग। दैट मीन्स 0 से लेके 1 तक जितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं आप उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैक्सिमम कितना था, 1, और आपको कितने डिविजन्स मिले, 10, सो इट बिकम्स 0.1। ओके, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। इन द सेम वे अगर हम लोग एम्पियर अमीटर को देखें तो यहाँ पर सेकेंड रीडिंग के बीच में 10 डिविजन है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। दीज आर द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर। इज इट ओके? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड कि आपने आप लास्ट के जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस वायर की जरूरत पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस वायर को मेजर करने के लिए आपको एक मेजरिंग स्केल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और पता कर लेते हैं, दैट वॉज लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग स्केल। तो हमें सबको पता है कि एक स्केल में जितने डिविजन्स होते हैं, मतलब अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर का स्केल ले रहे हैं, 12 सेंटीमीटर का स्केल ले रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, तो आप लोग क्या करेंगे, सपोज हमने 12 सेंटीमीटर का स्केल लिया है तो दैट वॉज अगर वापस से डिवाइड करेंगे तो 1/10, क्योंकि उसमें मिलीमीटर्स में डिवीजन होता है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना लगेगा, 0.1। तो हमारे पास तीनों चीज़ों का लीस्ट काउंट है, वोल्टमीटर का भी है, अमीटर का भी है, और जिस वायर से आपको रेजिस्टेंस वायर नापना है, मतलब जिस स्केल से आपको रेजिस्टेंस नापना है, उसका भी आपके पास लीस्ट काउंट है। ये हमने एक रेजिस्टेंस वायर लिया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं क्लियर विजिबिलिटी कर देता हूँ, ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने 20 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। इस 20 सेंटीमीटर लेंथ वायर को, मतलब जिस ये एक अननोन रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमको इस एक्सपेरिमेंट से पता करना है, ठीक है, तो हम इसे वोल्टमीटर के पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो एक एंड हम इसका वोल्टमीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे और दूसरा हम इस एंड इसका हम लोग वोल्टमीटर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक रेजिस्टेंस वायर लगा दिया है यहाँ पे, जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट आप लोग क्या करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे और अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, मैंने 6 वोल्ट एडजस्ट किया हुआ है, आपके पास जो की है इस की से आप इस सर्किट को पूरा ऑन कर देंगे। नाउ व्हाट डू यू डू कि आप एक बार इस रियोस्टेट को मिनिमम लेवल पर ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसका रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। तो द फर्स्ट रीडिंग इज मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स इन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज वेरी लो। सो अगर हम ध्यान से देखें तो वोल्टमीटर में 0.1 मतलब 10 डिविजन्स में यहाँ पे एक रीडिंग आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वोल्टमीटर और यहाँ मैं लिख देता हूँ एमीटर, ठीक है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है 0.1, वहीं पे अमीटर में भी सेम रीडिंग आ रही है, दैट वाज 0.1, ठीक है। तो दीज आर द मिनिमम रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर अमीटर। सेकंड थिंग, वी विल टू फाइंड द मैक्सिमम रीडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रियोस्टेट को पूरा सारे नंबर ऑफ टर्न्स में मैक्सिमम रीडिंग निकालेंगे कि हमें कितना निकल सकता है। अगर यहाँ देखें तो हमें जो मैक्सिमम रीडिंग मिल रही है दैट वाज हमें कितना मिल रहा है, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट। वहीं पे अगर इसमें देखें तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिविजन्स मिल रहे हैं, 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0.8, ठीक है।
ठीक है, चार ऑब्जर्वेशन लेने हैं, 1, 2, 3, 4, चार ऑब्जर्वेशन मीन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज कर अभी चार रीडिंग लेनी है वोल्ट मीटर में और चार रीडिंग लेनी है अमीटर में, ठीक है। तो वे स्टार्ट, हम इस रियोस्टेट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अगर ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी मैक्सिमम रीडिंग और मिनिमम रीडिंग दिखी थी हमें, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं दिखे हैं, तो हम उसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने इसमें लिया जब वोल्ट मीटर 0.2 पे आ गया, इज इट क्लियर, वोल्ट मीटर कितनों पे आ गया 0.2 पे, तो सेम रीडिंग मैंने एमीटर में नोट की, तो दोनों में मेरे पास रीडिंग आ रही है 0.2 एंड 0.2। फिर आप इसे थोड़ा सा ऐसे और शिफ्ट करेंगे, ठीक है। मैंने इसे अब 0.3 पे ले लिया है, अमीटर में भी 0.3 रीडिंग आ रही है, तो दैट वॉज 0.3 इन द अमीटर एंड 0.3 इन द वोल्ट मीटर। तो मैं एक कैलकुलेशन देख रहा हूँ कि मेरे पास एग्जैक्टली सेम वेरिएशन उसमें रीडिंग्स आ रही हैं। फिर आप इसे थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे, मैंने इस बार थोड़ा और आगे लिया है, दैट वॉज मैंने 5 वोल्ट लिया है, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो ये हो गया 0.5 और ये भी हो गया 0.5। अगेन आप इसे थोड़ा सा और आगे लेंगे, मैंने और थोड़ा सा लिया है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.7 और यहाँ पर भी 0.7। और पॉइंट में अगर हम लोग वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर निकालेंगे तो वी फाइंड कि सबका आंसर कितना आएगा, 0.1 ओम। अगर मेरे पास एक रीडिंग कांस्टेंट आ रही है, अगर आपके पास रीडिंग वेरिएबल आती है तो आपके पास जब आंसर्स निकलेंगे तो R1, R2, R3 एंड R4 चार निकलेंगे, तो आप क्या करेंगे, R mean is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 upon 4 करके R mean की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि मेरे पास आया हुआ है 0.1 ओम, ठीक है। नाउ इसके कैलकुलेशन में आपको आगे करके बता देता हूँ, जब आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी दैट वॉज 0.1 ओम, नाउ वी हैव टू फाइंड, सो दिस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द दिस गिवन वायर, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, तो वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था कि मैंने इस वायर की लेंथ जो ली है वो 20 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। नाउ अब हमें इसका एरिया पता करना पड़ेगा, ठीक है, तो रो R की वैल्यू मेरे पास होगी 0.1, वी डोंट नो व्हाट इज द एरिया एंड लेंथ मेरे पास है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू मीटर, दैट मीन्स 20 × 10⁻²। इज दिस क्लियर। नाउ एरिया निकालने के लिए मैं इस वायर को वापस निकालूंगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गेज हम इसका रेजिस्टेंस ले लेंगे, सॉरी रेडियस नाप लेंगे कि स्क्रू गेज का रेडियस कितना होता है। नाउ अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं बता देता हूँ, दिस इज द सर्कुलर स्केल, ठीक है, ऑफ द रियोस्टेट एंड दिस इज द मेन स्केल, जहाँ पर दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि इसका रेडियस कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रेडियस आ रहा है इसका 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, सो देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, ठीक है, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे और एरिया निकालेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एरिया ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, इसका एरिया मेरे पास आ रहा है 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आप रो कैलकुलेट करेंगे, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए पॉइंट एंड पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएंगे 100, ठीक है, तो वी हैव 1 upon 20 × 10⁻²⁻², दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है, सो इट रिमेन्स रो इज इक्वल्स टू 1/20। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एंड फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर। सो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओम्स लॉ।